हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है तपिश। आज हम बात करेंगे एक शेयर के बारे में, जिसमें अगर आपको पहले का उसका अगर कुछ टाइम पहले का चार्ट देखिए तो काफी नेगेटिव उसमें सेलिंग आई थी, जो है अडानी शेयर्स के, जिसके बारे में सबको पता ही है। अडानी के भी देखो कुछ शेयर्स, मतलब जैसे अडानी एंटरप्राइज हो गया, अडानी पोर्ट हो गया, वो शेयर्स ऑलरेडी रिकवरी कर चुके हैं अच्छी खासी, ठीक है, उनकी जो लो लगा था उनसे। पर अभी कुछ शेयर्स हैं उसकी जो अभी मतलब लो के आसपास ही चल रही है, इसमें से एक है अडानी एनर्जी सॉल्यूशन। अब इस शेयर में एक अच्छा पॉजिटिव चार्ट पैटर्न देखने को मिल रहा है। अगर हम इसको इग्नोर करें यहाँ पे ये सब आई थी चीजें उस टाइम पे जो भी सब हुआ था, अब यहाँ पे अगर हम सेटअप देखिए तो यहाँ पे एक है ना, धीरे धीरे करते करते एक अप ट्रेंड का सेटअप यहाँ पे देखने को बन रहा है। यहाँ पे इसको हम एक ट्रेंड लाइन अगर बनाते हैं यहाँ पे कुछ सीधे के हिसाब से देखेंगे। अब देखो एक ट्रेंड लाइन बन रही है यहाँ पे इस तरीके से, ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ऊपर की तरफ ब्रेक करता है ये, तो फिर एक अच्छा मोमेंटम अप साइड में देखने को मिल सकता है। और डाउन साइड में सपोर्ट के लिए कौन सा लेवल दिख रहा है यहाँ पे, ये इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, जिसमें अगर हम सब लोगों को मिला रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे इस रेंज के बीच में फंसा हुआ है। अब इस रेंज में से जहां भी ब्रेक करेगा, ये चांसेस जो अभी कंडीशन दिख रही है उसके हिसाब से पॉजिटिव कंडीशन दिख रही है, अगर लेवल ब्रेक करेगा तो फिर एक अपसाइड में अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये है मंथली टाइम फ्रेम का, मंथली के हिसाब से हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद वीकली डेली भी देखेंगे। पर क्या होगा ना, देखो कि अभी जब भी निकलेगा यहाँ से, ये इसका निकलना ईजी नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखो ये इतनी बड़ी कैंडल बनी थी, उसके बाद धीरे धीरे करते एक ग्रीन कैंडल बनी, फिर जैसे टॉप पे आती थी कहीं ना कहीं सेलिंग आती थी। सेलिंग क्यों आती थी, क्योंकि जो प्रीवियस उसमें यहाँ बाय करके बैठे, हर इसमें डिप पे यहाँ पे जैसे अब ये है इस जगह जाएगा तो कोई ना बाय करके बैठा हुआ, इस सब हर लेवल पे कोई ना कोई बायर होगा यहाँ पे, जो पहले के यहाँ पे जिसने पहले का फंसा हुआ होगा, ठीक है। तो जब भी इस लेवल पे जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है, तो वहाँ पे एक बार थोड़ी बहुत अनकमी प्रॉफिट बुकिंग आने को देखने को मिल सकती है, या फिर सेलिंग देखने को मिल सकती है इसमें, ठीक है। तो लेकिन शेयर के धीरे धीरे इस पैटर्न में मूव करेगा, ऊपर जाएगा फिर सेलिंग आएगी थोड़ी बहुत, फिर धीरे धीरे करते करते एक लेवल एकदम से वो एक तरफ अगर आप सोचो तो वैसी चीज नहीं, जैसे ये चला था, ये इतना लंबा एक बड़ा मोमेंटम दिया, सेम इस कंडीशन में अभी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे जगह यहाँ पे फंसे पड़े होंगे, और जैसे उनकी प्राइस आएगी वो वहाँ से निकलने का ही प्लान करने की कोशिश करेंगे। मतलब क्या होता है ना कि कई बार हमें जिस भी प्राइस पे मिला है लिया था उस प्राइस पे ही आ जाए तो वो सबसे बड़ी बात होती है वहाँ पे, तो वो प्राइस आएगी तो वहाँ पे दिक्कत आएगी देखने को, ठीक है। पर उसका ध्यान रखना कि जब भी थोड़ा लेवल लो लेता है, प्रीवियस सपोर्ट पे आता है, तो वापस एक बार बायर्स एक्टिवेट होने की कोशिश करेंगे। इसको मैं एक बार हटाता हूँ यहाँ से ताकि थोड़ा सा ये क्लियर दिख जाएगा, इसको वापस से हम खींचे। अब इसमें क्या था ना, प्रीवियस एक है ना रिजेक्शन लेवल चल रहा था, अब हम एक यहाँ पे बनाते हैं इस जगह के आसपास एक रिजेक्शन लेवल चल रहा था 1252 का। अब उस 1252 को जो अगस्त की जो आज फर्स्ट कैंडल बनी है, आज आराम से 12% का मोमेंटम दिया इसने फर्स्ट डे में, ठीक है, अगस्त में उसने इस लेवल को ब्रेक करके मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल में शुरुआत करी उसको ब्रेक करने की, अभी शुरू करा है, अभी हो सकता है क्लोजिंग मंथ एंड आता था इसके नीचे आ जाए, पर अभी हमें यहाँ पे फोकस कर सकते हैं मंथली के साथ। अब इसको अगर वीकली पे देखें तो वीकली पे क्या हुआ है ना, ये इसने एक अच्छा मोमेंटम इस कैंडल में दिया इस वीक में यहाँ पे, ठीक है, अच्छी खासी वॉल्यूम के साथ में, और इसी लेवल के लेवल को ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दिया है। वीकली लेवल पर अगर हम यहाँ पे फोकस करें तो कल इस वीक की क्लोजिंग हो जाएगी, तो अगर इसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो ये फिर यहाँ पे पॉजिटिव वे में कन्वर्ट होने लग जाएगा शेयर यहाँ पे देखने देखते, क्योंकि ये जिन जिनों के जो फंसे पड़े थे यहाँ पे वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। अब जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 1392 के आसपास का, जो मेजर लेवल आएगा वो है 1392। आज देखो एक इस लेवल के उस यहाँ पे सेलिंग आई है इसी के, ठीक है, आज का जो हाई रहा था आज के हिसाब से वहाँ पे भी एक बार रिजेक्शन देखने को मिला है। हमें ये ध्यान रखना है कि 1252 के ऊपर अगर ये सस्टेन कर जाता है ये, ठीक है, तो फिर ये वीकली हिसाब से यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक बार डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, डेली पे देखो अगर यहाँ पे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ये इस जगह पर रिजेक्शन करता है। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आया तब रिजेक्शन इसने यहाँ पे लिया, सबसे पहले इसके आसपास आया, फिर यहाँ आया तब रिजेक्शन लिया, दोबारा वापस यहाँ आया, फिर ये मतलब कई टाइम इसने यहाँ पे रिजेक्शन लिया और आज इसने जाके इस लेवल को ब्रेक करा है। तो प्रीवियस यहाँ पे जिन्होंने बाय करा हुआ जो फंसे पड़े होंगे वो ऑलमोस्ट यहाँ पे सब निकल गए होंगे और वो माल यहाँ पे फ्री हो चुका है, तो वो वापस से इसके लेवल के रेंज के ऊपर आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। तो हमें क्या ध्यान रखना है, आज का हाई क्या है 1348, उसके ऊपर 1395, ये लेवल यहाँ पे अभी जो इमीडिएट बेसिस पर रहेंगे रिजेक्शन के, जैसे जैसे फिर ऊपर जाता जाएगा मार्केट में ये और ज्यादा फिर यहाँ पे अच्छा मोमेंटम देखने को मिल सकता है इसमें, इसको मैं हटाना एक बार इसको। उसके बाद अगर यहाँ लेवल देखें तो फिर रिजेक्शन का लेवल जो आएगा मेन वो आएगा इसी के आसपास, क्योंकि यहाँ से फिर देखो लोअर सर्किट लग रहे थे उस टाइम पे, तो 1546 का लेवल है ये, इस तरीके से लेवल हो जाएंगे यहाँ पे। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे एक बार चलें तो क्या लेवल रहता है 5 मिनट पे, देखो इसी जगह से रिजेक्शन दिया है, अगर यह सपोर्ट इसके आसपास ही इस जगह पर सपोर्ट ले लेता कल यहाँ पे ये 1240 के लेवल को मार्क करते हैं, 1240 से लेकर 1260 का जो लेवल है यहाँ पे ये, इस लेवल पे अगर सपोर्ट ले लेता है यहाँ पे सस्टेन कर जाता है तब तो अच्छी बात है यहाँ पे, और फिर इस हिसाब से बाकी हम देख सकते हैं डेली वीकली के हिसाब से जो जो लेवल्स यहाँ पे सस्टेन करेगा। एक बार वीकली कल क्लोजिंग हो जाएगी तो उसके बाद में एक बार वापस वीडियो बना दूंगा ताकि कल कंडीशन देख के क्या रहता है, बाकी इसको भी हम नोटिस में रख सकते हैं यहाँ पे इस शेयर को, यहाँ पे इसमें कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन है, बाकी जो चार्ट के हिसाब से लग रहा है कंडीशन देखिए मैंने आपके साथ शेयर करा है। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।